मौजूद जनाब वाला सुखों का साहब दीगर बाबा का सुनने के लिए खेत के ऊपर इंतहाई की बदमाश और जवानों पाकिस्तानी को मेरे प्यारे बच्चों का सलाम ये बड़ी कुछ अहम बात है जैसे अभी इसके लिए कहा गया कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और मदारिस के लोग सबके सब मौजूद हैं। गाड़ियां रखना या टुकड़ियां पहनाना जरूरी नहीं, दिलों के अंदर जज्बों को बेदार करना जरूरी। ये नुमाइश की बात नहीं है, दीन जो है वो नुमाइश का नाम नहीं है, अमल का नाम है और वो पूरी इंसानियत के लिए है। किसी मिस्टर किसी मुल्ला का फर्क नहीं डालता, बल्कि हमारा फर्क तो रसूल आलमीन है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद नबी है जो अल्लाह ने खुद लकब दिया रहमतुल आलमीन। इसलिए इस्लाम मुस्लिम स्पेसिफिक नहीं है, इस्लाम इस पर ह्यूमैनिटी इंसानियत के लिए और इंसानियत इस वक्त करा रही है, इंसानियत बेजार है, मगरबी जमहूरी निजाम से बेजार है, इंसानियत इस वक्त उनकी मार्केटिंग इकॉनमी या उनकी मार्केटिंग कैपिटलिज्म जिसको मैं कहता हूं उससे बेजार है। इंसान इस वक्त तंग है इन चीज के इन रवैयों से जो दुनिया मगर की ताकतों ने हमें हमारे हवाले किए। अभी बहुत इसके ऊपर हम दिफाई पोजिशन जब इख्तियार करते हैं तो वहीं हमें प्रॉब्लम पैदा होती है। हमारी दिफाई पोजिशन के ऊपर मान है कि यलवारे मगरब, ये यलवारे मगरब क्या है? कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारी अंदरूनी कमजोरियां हैं, हमारे निजाम की कमजोरियां हैं कि हम यलवारे मगरब से बलों पर मुतासर होते हैं। अलामा ने इसीलिए कहा था कि सुनैद तहजीब हाजिर के गिरफ्तार गुलामी से है तब तक बेजमीर। तो ये जो असल में हमारी बेजमीरी है ये हमारे रास्ते की रुकावट है, ये हमारे रास्ते में हमारे बहुत बड़ा पत्थर है। हमें एहसास नहीं है इबादात को मैं समझ लेते हैं कि यही सब कुछ हमारे लिए है, हमने इस दुनिया को कुछ नहीं देना। इंफरादी तौर पर तो आप कह सकते हैं कि ठीक है मेरी जिंदगी में अगर अल्लाह के दिए गए इबादात और दूसरे असूलों के मुताबिक गुजारता हूं तो ठीक है, लेकिन एक इस्लामी रियासत में भी अगर आप ये करते हैं तो फिर आप मुनकर हैं इस्लाम से, आप मुनकर हैं कुरान से। और जब आप तकसीमें डालते हैं तफरीक करते हैं तो आप कमजोर हो जाते हैं। अल्लाह ताला का वाज़े पैगाम है जो हमारा हक में आला है कि वाकसुमू में हक मिलता है जमीन वाला का सफर, वो जो हमारा हक है जिसको हमने कबूल किया है पाकिस्तान ने करारदादे मकासिद में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर रिजेक्ट करके मगरबी जमहूरियत को कि मगरबी जमहूरियत हमारा वहां हासिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम उसी के जाल में जकड़े हुए हैं। यानी कोई द्रोही सियासत कोई फिरका वारियत, अगर फिरका वारियत काबिले गिरफ्त है जैसा कि बार बार कहा जा रहा है इस प्लेटफॉर्म से भी कहा गया, तो फिर सियासी फिरका वारियत तो काबिले गिरफ्त नहीं है। मेरे मौजूद दोस्त मौलाना सिद्दीक अहमद साहब बैठे हुए हैं जिनके और लोग भी जिनकी अपनी मजहबी दीनी सियासी जमातें हैं, लेकिन मैं इनकी मौजूदगी में यह बात कह रहा था जो मजहबी जमातें इस सियासत में से निकल के इस्लामाबाद पहुंचने चाहती हैं उनकी मंजिल इस्लामाबाद है इस्लाम नहीं है। हमारी मंजिल इस्लाम है और इस्लाम अब कोई वाहिद नजरिया रह गया है जिसको डोमिनेंट नोशन ये कहा जाता है, बहुत बड़ा नजरिया जिसकी बुनियाद पे जवान मकान चलते हैं। किसी वक्त अभी कुछ अर्सा पहले कम्युनिज्म जो था वो एक बड़ा
पाबंदियां करते हैं तो इसका फिर क्या इलाज है? ये नहीं कि मगरब जो है एक शेक्सपियर ने अपने ड्रामा है जूलियस सीजर उसमें कहता है इट इज नॉट सीजर, जो कि भेड़िया है, सीजर इज नॉट वुल्फ। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम भेड़े हैं। अमरीका और हमारी इस्तेमाल भेड़िया इतना बड़ा नहीं है कि हम भेड़े हैं और भेड़ों में कोई मुस्तकबिल नहीं हुआ करता। ये इंसानी जिंदगी जो है इसमें बड़ी तकलीफ और कश्मकश है। इसके फैसले बाज़ात ज़हनों में होते हैं, बच्चों दिलों में होते हैं, दिमागों में होते हैं, लेकिन बसा औकात वो फैसले जो है मैदान जंग में होते हैं। और आप मैदान जंग में जीत गए हैं तो खुदा के बंदो अब तो उठो और रिजेक्ट कर दो मगरबी जमहूरियत को। हम बेजार हैं मगरबी जमहूरियत से। मीडिया का बड़ा शोर है आज, कोई मीडिया देखा इतना बड़ा इत्तेफाक मैंने नहीं देखा, नौजवानों का इतना बड़ा इत्तेफाक मैं इस हवाले कर दिया। मीडिया पाकिस्तान का मीडिया जो बताना चाहता है, हमारी नुमाइंदगी करना चाहता है, कहां है वो? हमें बिकाऊ मीडिया नहीं चाहिए, हमें बहादुर मीडिया के तो बहादुरी सिर्फ हमारे मुकाबले में कि जिसको हम अमरीका कहता है कि तुम पढ़ जाओ मदरसों को, ये करो वो करो, जहाज के दाम ना लो, हमीर मुल्क पर पाबंदियां लगा दो, जो उन्हें आपने देखा कि मुझे बंद किया हुआ देते कि मुझे बहुत अच्छे से, क्योंकि जहाज का मैं नाम लेता हूं, मैं इस्लाम का नाम लेता हूं। आप उसको हारी हुई जंग को, जो तुम्हारी जंग है, जो अमेरिका के बिहाफ पे तुम लड़ रहे हो, तुम इसको कैसे जितवा दोगे? अफगानिस्तान के रेगिस्तानों में, उनके बर्बदारों में, उनके पहाड़ों में, वहां से तुम कैसे जिता सकते हो? वहां तो फैसला हो गया, तकदीर ने, तारीख ने ये फैसला कर दिया, अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तो हमें अपनी रगों में ताजा खून दौड़ाने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले कि मैं इसके जिक्र करूं, क्योंकि नौजवानों के लिए बहुत पैगाम मेरा जरूरी है, मैं आपको एक बात करना चाहता हूं कि ये मगरबी जमहूरियत जो है जिसको हमने हिस्से जान बनाया है, सिक्के के साथ लगाया है, जिसमें ग्रोही निजाम होता है, जिसे अलामा इकबाल कहते हैं उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहरीक के अंडे हैं गंदे। सियासत मेमोरी कहते हैं, इलेक्शन मेमोरी कौंसल वजारत बिछाए खूब जमहूरियत के फंदे। तो ये जमहूरियत के फंदे हैं बाबा खुदा के वास्ते। और इसलिए कि मगरबी जमहूरियत जो कि क्रिश्चियन वर्ल्ड में नसारा की दुनिया में मारे हुए वजूद में आई, लाशुआ बाइबल मुकद्दस किताब है, आसमानी किताब है, लेकिन बाइबल कानून की किताब तो नहीं है ना, ना तो औरत कानून की किताब है। कानून की किताब महज एक ही आई है और वो कुरान अल्लाह ताला ने हमें दिया, उसका तजर्बा करके 1400 साल पहले जिस दिन हमारा दीन मुकम्मल हुआ उस दिन ये फैसला हो गया कि आज के दिन तुम्हारी कानून साजी आईन साजी मुकम्मल हो गई और किसी को इख्तियार नहीं है कि उससे बढ़ के कोई कानून बनाए, बल्कि एक इस्लामी रियासत का फर्ज सिर्फ यह है कि वो अहकामात खुदाबंदी के ऊपर अमल करे। जैसा कि हमारा हाकिम बता रहा है, ये अवाम हमारे हाकिम नहीं है क्योंकि ये गलतियां करते हैं, मजबूर होते हैं, ये जो वडेरे जागीरदार और सियासतदान ये हमारे हाकिम नहीं है, हमारा अल्लाह हाकिम है और अल्लाह सबके बराबर देखता है, वो सबका परवरदिगार, सबको पैदा करने वाला। और कायदे आजम के अल्फाज में जो उन्होंने अल्लामा इकबाल उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने पूछा, कायद व्हाट इज एन इस्लामिक स्टेट, एक
ये कहा गया था मोहम्मद अली जिन्ना जिनको सेकुलर कहा जाता है वो कह रहे हैं इस्लामी रियासत का पूरा इख्तियार ये है कि उसके अंदर अहकामात खुदाबंदी का निफाज किया जाता है, ना कोई डिक्टेटर, ना कोई बादशाह और ना ही कोई पार्लियामेंट, ना ही कोई पार्लियामेंट इस बात की मजाज है कि उससे हटके कानून बना सके। और हमने इसीलिए पाकिस्तान बनने के बाद 9 मार्च 1949 को करारदाद मकासिद पेश की आईन साज असेंबली के सामने और उसमें तस्लीम किया कि बिला शिरकत गैर अल्लाह हमारा हुक्मरान है और अल्लाह की हुक्मरानी जो है उसका तमाम तर जो असूल है वो कुरान और सुन्नत के अंदर दे दिए गए। ये आपका आईन क्या है, ये आपका आईन है इसके बारे में बाकी सब पॉइंट की बातें होती है। इस तस्ना और दारी साहब को कैसे मिल गया अगर अल्लाह आगे कर माना अल्लाह कहता है कि तफरके मत डालो, आप अपनी अपनी मस्जिदें भी बना के बैठते हैं, अपनी अपनी पार्टियां भी बना के बैठते हैं, फिर ये कैसे बन गया? ये तजादात हमारे आईन के अंदर मौजूद है, इसमें कोई शुबा नहीं कि आज के माहौल में मार्शल लॉ नहीं लग सकते, मैं भी जानता हूं उसको, हमारा भी तजुर्बा फौज का, लेकिन हम इस आजिज हैं इस बकरी जमहूरियत से, हमें ये नहीं चाहिए और इस आईन के तजादात को हमें खत्म करना होगा। बड़ी तगड़ो दौ है पाकिस्तान के पीछे 1000 साल की तारीख, बड़ी दुख भरी सुखराट दास्तान है, बहुत दुख का हमने बिलावत पाकिस्तान हासिल किया। मौलाना सभी के साथ मुझे असीर आने पाटा की वो जेलें देखनी नसीब हुई, मैंने देखा जाकर उनको एक मेरे साथ थे माल्टा के अंदर, आपने पढ़ी होगी तस्वीर आने माल्टा के बाद किताब भी है इसके ऊपर, तो जो आपके शेख और हिंद थे दूसरे लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन दूसरों की कुर्बानियां दी हर एक ने दी, जिक्र हो रहा था शेख और हिंद का, जिक्र हो रहा था हुसैन मदनी साहब का, जिक्र होना चाहिए साथ ही शबीर अहमद उस्मानी साहब का जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया था, और ये जिक्र होना चाहिए मोहम्मद अली जिन्ना का जो बार बार कहते हैं कि ये मैं इसको खित्ते जमीन को महज इसलिए नहीं हासिल करना चाहता कि मुझे टुकड़ा चाहिए, बल्कि एक मकसद के लिए कि यहां इस्लामी इकदार और इस्लामी कवानीन का निफाज होगा, पाकिस्तान एक रेवोल्यूशन, पाकिस्तान एक नामुसम्मल इंकलाब है, हमें इसको पूरा इंकलाब बनाना होगा। और अब कोई चीज बाकी नहीं रह गई, वजाहत बिल्कुल पूरी तरीके से हो गई। क्लासिक थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन जो पढ़ते हैं यूनिवर्सिटियों में, रिमूवल ऑफ डाउट, देयर शुड बी नो डाउट, और कलमा तैयबा उसके ऊपर सबसे बड़ी शहादत है, ला इलाहा नहीं है कोई, रिजेक्ट एंड रिप्लेस इल्लल्लाह, पहले रिजेक्ट फिर रिप्लेस, वी रिजेक्ट ऑल दिस, यंग पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉर गॉड सेक रिजेक्ट दिस सिस्टम, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका माल्य वतू, आपकी न्यूक्लियर सलाहियत, आपकी 11 दर्जे की फौज, आपका जहादी जज्बा, आपकी खुद कफालत, आपके पानी, आपके दरिया, खुराक में खुद कफी, क्या चीज नहीं है आपके पास, क्यों डरते हैं? अलामा की दुआ, और वो बार बार मैं पढ़ता हूं तो मुझे अजीब सा एहसास होता है कि रंगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल को हर लू बाकी नहीं है, नमाज हो, रोजा हो, कुर्बानी हो, हज, ये सब बाकी है, तू बाकी है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की तकदीर बदल दी जाए, वक्त आ गया है कि हम उसका रास्ता बदल दें, इस्लाम के अलावा और कोई चीज नहीं हमारे लिए, हमारे अल्लाह के सिवा, हमारे नबी के सिवा कोई चीज नहीं। और जिस कायदे आजम के बारे में शकूक डाले जाते हैं आपके दिलों में, ये झूठ है, मैंने सारा पढ़ा है, उस पर किस चीज पढ़ी है, मोहम्मद अली जिन्ना जो सिंध मदरसा तो
जिसने जिंदगी में एक दफा सेक्स विद तुमने कहा, जिसने पूछा कि आपने क्या प्लान किया, आप मालूम क्या होगा, उसने कहा वो मेरा तो काम नहीं है, आयु साहब असेंबली बैठी हुई है बनाएगी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो शरीर के दाम होगा। मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे ये देखे तमाम तसव्वुरात हमको तकसीम करने के लिए बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ इल्जाम लगाए जाते हैं, ये गलत है, ये झूठ है, हमें तो तहद होना है। और इसके लिए जो गुमान परस्ती है हमारी, उससे निकल के यकीन परस्ती की तरफ आना होगा, यकीन की दौलत से मालामाल होना चाहिए। पाकिस्तान को आपने इंकलाब की तरफ लेके आना है, हम इस निजाम को सारे इनकी मईशत को, इनकी अदालत को, ये अदालत एंग्लो सेक्शन का जो सिर्फ कानून तकसीम करता है, अदल नहीं देता, हमें अदल चाहिए, अदल तबाही चाहिए, ये अदल नहीं देखते। कानून की वकील खड़े हुए पूछ काफिया नहीं जनाब, ये पहला ये हुआ था, ये फैसला, ये इसका ये मतलब नहीं करता है। बड़े बड़े वकील कहते हैं कि हजरत शेख का नक्शे कदम यूं भी है और यूं भी है, ये क्या बोला इस कौम के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुकी, अब हमें रोकना है इनका रास्ता और हमने इंकलाब लाना है। इंशाल्लाह ये साल के आखिर या इससे बाद अगले साल में इंकलाब की शुरुआत हो जाएगी, और कोई भी इंकलाब होगा, मैं कहता हूं मैं इंकलाब होगा, हम नहीं मानेंगे। तुम मारोगे हमें, गंदरे काटोगे, तो क्या हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था जब वो बन गए थे मुस्लिम लीग के सदर, उन्होंने फॉर्म चेंज किया और कहा कि नहीं ये काफिया जो पहले फॉर्म था उसकी पेशवानी के ऊपर आयत थी सूरह अल इनाम की, क्या है इनाम उनकी, जिसमें कहा है कि अब कह दो कि मेरी जान, मेरा माल, मेरी औलाद, हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। तो इस मुल्क की जो है तकदीर नहीं समझ सकती, बदल नहीं सकती, और जिस दिन खुदा की कसम मैं आपको कहता हूं कि जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया इस्लामी निजाम लाएंगे, दुनिया आपके ताबे होगी। ये निजामों की बदौलत है। क्या हुआ था रियासत मदीना में, निजाम दिया था ना, फिर फैल गई वो रियासत, फिर ये अच्छाई फैल जाया करती है, रोशनी फैल जाया करती है, खुशबू फैल जाया करती है, आपको कुछ नहीं करना होता उसके लिए। आखिर में दुआ के साथ मैं खत्म करता हूँ, बहुत मुझे परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैंने ये समझा कि आप इतने बड़े इमाम से देख के मैं बड़ा मुतासर हुआ, मेरे दिल के अंदर भी जज्बा हो गया। उठो अल्लाह के नाम के ऊपर, एक एक करके दो करके